बच्चों कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट का पार्ट टू, क्लियर है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिरर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर। मिरर क्या होता है? ऑब्जेक्ट हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज पॉलिश्ड। सबके घर पे मिरर होगा, सबको अगर मिरर को ध्यान से उठा के देखोगे तो उसका एक तरफ होता है जो रिफ्लेक्टिंग होता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरी तरफ देखोगे तो वो क्या होता है, पेंटेड होता है। क्या होता है? पेंट। उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलिश्ड। जनरली सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है। किसका? सिल्वर का, AGBR का प्लेटिंग किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोला जाता है प्लेन मिरर और एक को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक प्लेन है। प्लेन मतलब स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन, यानी एक स्ट्रेट लाइन। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? स्फीयर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड आया, रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड। तो आइए देखते हैं प्लेन में कौन रिफ्लेक्टिंग होगा और कौन पॉलिश्ड होगा। कैसे पहचानेंगे हम लोग कौन सा रिफ्लेक्टिंग है और कौन सा पॉलिश्ड है? तो जिस तरफ ऐसे लाइनिंग हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा साइड होगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? जहाँ पे हम लोग ये लाइन बना रहे हैं वो पॉलिश्ड हो जाएगा और दूसरा वाला रिफ्लेक्टिंग। देखो यहाँ पे भी अंदर में क्या बना हुआ है, लाइनिंग, तो अंदर वाला हो जाएगा पॉलिश्ड और बाहर वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि इसमें इमेज कैसा बनता है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है यह तो पढ़ लिया हम लोग। अब इसमें इमेज कैसे बनता है, कैसा होता है उसका नेचर, इमेज जो बनता है वो कैसा दिखेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे उसके, इसके ऊपर हम लोग यहाँ से एक डेरिवेशन के थ्रू सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, जानना होगा कि क्या करना पड़ेगा। हमें एक ऑब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज़ जिससे लाइट निकलती हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। लाइट में ऑब्जेक्ट किसको कंसिडर करेंगे? जहाँ से लाइट निकल रहा होगा, ठीक है। एनीथिंग विच गिव्स लाइट फ्रॉम इट, ठीक है, या एमिट्स लाइट फ्रॉम इट। फिर इमेज क्या होता है कि अगर लाइट निकला किसी चीज़ से जाके टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा पास करने के बाद, बात की बात है, तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिलेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या बन रहा होगा? इमेज बन रहा होगा, ठीक है। इमेज कैसे बनेगा? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिलेंगे या लगता होगा कि वहाँ जाके मिल सकते हैं, वहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। तो इमेज क्या होता है? द पॉइंट वेयर टू और मोर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर्स टू मीट। हो सके डायरेक्ट मीट कर जाए या ऐसा इमेजिन करना पड़े हमें कि वहाँ जाके ये क्या कर रहा होगा, मिल रहा होगा। तो उसके बेसिस पे इमेज को भी हम लोग दो टाइप्स में बांट दिए हैं, एक को बोलते हैं रियल और एक को बोलते हैं वर्चुअल। रियल में क्या होगा? एक्चुअली में रे जाके मिलते होंगे, और इमेजिनरी में हमें, वर्चुअल में हमें क्या करना पड़ता होगा? इमेजिन करना पड़ता होगा कि वहाँ जाके वो क्या कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे। एक्चुअली में वहाँ पर वो मिल नहीं रहा होगा। क्लियर है डेफिनेशन? इमेज फॉर्म बाई एक्चुअल इंटरसेक्शन, इमेज फॉर्म बाई इमेजिनरी इंटरसेक्शन। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। आज और अभी ये बात दिमाग में आप लोग डाल लें, जब भी रियल इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा? इरेक्ट। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड बन रहा है, किससे? नॉर्मल से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? इरेक्ट। और ऑपोजिट साइड, जैसे एक ऊपर बना और एक नीचे बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे? इन्वर्टेड। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अपने इमेज फॉर्मेशन में। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक रे मिलेंगे, तो कम से कम दो रे लेके जाना होगा। चलिए पहला रे लेके जाते हैं, इस पॉइंट से लेके जाते हैं। तो इस पॉइंट से पहला रे यहाँ लेके गए, तो ये रे क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। और हम लोग ये क्या है? नॉर्मल, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो एक रे मिला,
कम से कम दो रे चाहिए। तो दूसरा रे कैसे लेके जाना है, तो दूसरा रे हम लोग मिरर पे परपेंडिकुलर लेके जाएंगे, एक एंगल आई पे लेके गए, दूसरा कैसे लेके जाना है 90 डिग्री पे, नॉर्मल रे के फॉर्म में ही हम लोग क्या करेंगे लेके जाएंगे। तो अगर ऐसे आएगा रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जीरो बनाएगा, तो जीरो पे ही वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जीरो पे ही क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ। तो ये लग रहा है कि कहीं इधर आके मिलेंगे, एक्चुअली में कहीं लग रहा है कि इधर आके मिल रहे होंगे, इधर ये रे कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे कि शायद ये रे इधर कहीं जाके मिल रहा होगा। आ रहा समझ में? तो जब इमेजिन करना पड़े तो कैसा इमेज बन जाएगा, वर्चुअल, यानी कि प्लेन मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। तो चलो इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करेंगे कि ये रे कुछ ऐसे जा रहा होगा और ये रे कुछ ऐसे अगर इधर आएगा तो यहाँ पे जाके क्या होगा मिल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो इमेज हमारा और जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा इमेज। अब देखिए नॉर्मल के ऊपर था ऑब्जेक्ट और नॉर्मल के ऊपर है इमेज, तो जब वर्चुअल बना तो वो हमेशा कैसा बनेगा इरेक्ट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, इरेक्ट। अब हम लोग और कुछ चीज़ों को बताना होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है और इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इन चीज़ों का अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, कैसे, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये और ये लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल। नाम दे देते हैं एम एन पी क्यू एस टी। तो एम पी इज पैरेलल टू एन क्यू, क्यों, क्योंकि सिंस एंगल एम एस टी इज इक्वल टू एंगल एन टी एस। कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल, यहाँ पर इक्वल टू नहीं प्लस 180 कर दे, 90 कितना हो जाएगा 180, को इंटीरियर एंगल। ये भी नीचे और ये भी ऊपर और दोनों अंदर में, पैरेलल लाइन के दोनों क्या बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनते हैं, तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल और उनका सम क्या होता है 180। तो वो लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल, ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल, क्लियर है। तो पहला चीज हम लोग प्रूफ कर दिए कि एन पी इज पैरेलल टू एन क्यू, क्लियर है। अब एन पी एन क्यू के पैरेलल है, एम पी एन क्यू के अगर पैरेलल है तो एम एन और पी क्यू ये भी क्या है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है। तो इट इम्प्लाइज एम एन इज इक्वल टू PQ, क्यों, करस्पोंडिंग लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का करस्पोंडिंग डिस्टेंस क्या होता है बराबर होता है, ये बात तो सबको पता है। करस्पोंडिंग क्यों, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, सेम एंगल है तो करस्पोंडिंग कहलाएगा, क्लियर है। तो पहला चीज हमें प्रूव हो गया कि MN जो है PQ के बराबर हो गया। तो ये क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था और ये था हाइट ऑफ इमेज। तो चलो एक और चीज़ प्रूव हो गया कि जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में देखोगे तो उतने ही हाइट का इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हमें प्रूफ करना होता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे क्या बन रहा होगा इमेज, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, क्लियर है। डेरिवेशन क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन कौन से, एम एन टी और पी क्यू टी, इन ट्रायंगल एम एन टी एंड ट्रायंगल पी क्यू टी, इसको वन मान लेते हैं, क्लियर है। अब देखो ये एंगल आर है तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जिनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 90 है और ये भी क्या है 90। तो पहला चीज क्या लिख सकते हैं, एंगल एम एन टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी 90, एम एन इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, दो चीज आ गया। एक और चीज क्या, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं, अरे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो लिख सकते हैं एंगल एम टी
एन इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये आर आर क्यों हुए, ये क्लियर है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल से। तो देखिए जब ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ें मिल जाती है तो हम लोग एक बार ध्यान लेके जाते हैं किस तरफ, कंग्रुएंट की तरफ, कंग्रुएंसी की तरफ। नाइन्थ में हम लोग पढ़े हैं कंग्रुएंसी। तो देखो एंगल एंगल साइड से ये क्या हो गया, कंग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड कंग्रुएंसी ट्रायंगल एम एन टी। पहले ट्रायंगल को जैसे मन वैसे लिख लो, दूसरे वाले को इसके साथ लिखेंगे। तो देखो एंगल एन किसके बराबर है, एंगल क्यू, और एन बीच में है तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। एंगल टी किसके बराबर है, एंगल टी के, तो टी लास्ट में, तो टी यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, तो बचा क्या पी। ठीक है, जब ऐसा हो जाता था कंग्रुएंट तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट निकाले, तो इसका एक करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है एन टी, तो एन टी किससे बन रहा है, सेकेंड थर्ड से, तो यहाँ सेकेंड थर्ड से क्या बन रहा है क्यू टू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू क्यू टी, किससे, सी पी सी टी से। तो एन टी और क्यू टी क्या है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्यू टी हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस। क्लियर है, तो ये भी चीज़ हम लोग का प्रूव हो गया कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे क्या बनेगा इमेज बनेगा। क्लियर है, तो अब आते हैं हम लोग क्या लिखने, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में इमेज क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसको अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैसा इमेज बना, वर्चुअल। दूसरा ये भी नॉर्मल के ऊपर है, ये भी नॉर्मल के ऊपर है, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं इरेक्ट। फिर साइज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, बराबर इक्वेशन वन से, तो सेम साइज, इसको क्या बोलते हैं सेम साइज। फिर चौथा क्या बना कि दूरी भी क्या होगा बराबर, तो एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे क्या बन रहा है इमेज। क्लियर है, और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बार बार पूछा भी जाता है डिफाइन के टर्म में, लैटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो एक फिनोमिना होता है जब भी मिरर में आप लोग देखते होंगे, ध्यान से अभी जाके देखिएगा कि जब अपने राइट हैंड को अगर सिक कीजिएगा या हाई कीजिएगा राइट हैंड से, तो मिरर में देखिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो हाई कर रहा होगा। क्लियर है, यानी कि ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी लेफ्ट होगा तो राइट, राइट होगा तो लेफ्ट, और लेफ्ट होगा तो राइट। और इसी को हम लोग इमेज प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह में भी आप लोग इसको पढ़ते होंगे कि इमेज प्रॉब्लम में क्या होता होगा, मिरर लगाने से जो लेफ्ट होता होगा वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो पहले डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to be right side of an image and vice versa, मतलब उसका उल्टा भी सही है, अगर लेफ्ट राइट अपीयर होगा तो राइट क्या अपीयर होगा लेफ्ट। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद होना चाहिए, लैटरल इन्वर्जन। मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है, यानी लेफ्ट जो होता है वो राइट की तरह दिखाई देता है। और इसी का सबसे सटीक एग्जांपल होता है जो कि बार बार टेंथ सीबीएसई में पूछा जाता है कि एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, क्योंकि अगर कोई उसके आगे गाड़ी चल रही है या बाइक चल रही है, ऑटोमोबाइल्स चल रही है, तो ड्राइवर के जस्ट बगल में एक रियर व्यू मिरर लगा होता है, तो वो तो मिरर है,
अगर एम्बुलेंस को हम लोग सीधा लिखते तो उस मिरर में इमेज कैसा बनता है, लेटरली इन्वर्टेड। तो जो ड्राइवर है वो पहचान नहीं पाता कि वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उतना तो उसके पास दिमाग काम नहीं करेगा उतना जल्दी में, हो सके उसका एक्सीडेंट हो जाता ज़्यादा गौर से देखने में, इसलिए पहले से ही उसको लेटरली इन्वर्टेड लिख दिया जाता है ताकि ड्राइवर के रियर व्यू में जो इमेज बने वो उसका इन्वर्टेड होकर के सीधा दिखाई दे, क्या एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस वो लोग जैसे ही पढ़ते हैं वो उनको साइड देने में आसानी होती है और पढ़ने में भी आसानी होती है, इसलिए एम्बुलेंस हमेशा कैसा रिटर्न होता है, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है, एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड क्यों लिखा होता है, सो डैट द ड्राइवर कैन सी और रीड द इमेज फॉर्म्ड इन द रियर व्यू इजिली, रियर व्यू में जो इमेज बन रहा है उसको आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके। अगर ऐसा नहीं होता, सीधा लिखा होता तो वहाँ उल्टा बनता तो उनको दिक्कत होता और एम्बुलेंस को वो पास भी नहीं दे पाता और गौर से देखने जाता तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। क्लियर है, तो आज हम लोग प्लेन मिरर को ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ये हैं, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, खास करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स में लेटरल इन्वर्जन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिएगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।